हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज सुमेरा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कैट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करती हूँ, वैसे ही मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन एवरी पेट ओनर्स के पास होनी चाहिए और मेरे जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आप आपके फ्रेंड्स लोगों से जिनके पास कैट्स हैं उन लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये हर एक कैट ओनर्स के पास ये सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो आज का टॉपिक कैट प्रेगनेंसी के ऊपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैट की प्रेगनेंसी के टाइम अपन कैट की कैसे केयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेटिंग प्रोसेस होता है उसके कुछ 15 डेज बाद आपको सिम्टम्स दिख जाएंगे कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कैट की प्रेगनेंसी के। तो अब ऐसा है कि आपको अगर ये चीज़ पता करना है कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो आप एक वेट विजिट भी कर सकते हो, जहाँ पे वेट अल्ट्रासाउंड करके आपको कंफर्म बताएंगे कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं है, आपकी कैट ने कंसीव किया है या नहीं है। जो कि वेट विजिट आप अगर 3 वीक्स के बाद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस टाइम वेट को भी अच्छे से पता चल जाता है, अल्ट्रासाउंड भी अच्छे से हो जाता है कि एग्जैक्टली वो पैल्पेट करके भी उन्हें पता चल जाता है वैसे कि कैट कंसीव करी है या नहीं है। तो अगर आप 3 वीक्स का टाइम लेके एक वेट विजिट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं है। जब आपको पता चल जाए कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है तो कैट को सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हाई क्वालिटी फूड लगता है। तो अगर आपकी कैट आपको पता चलता है कि कंसीविंग है, आप उसको फट से किटन फूड पे लेके आ जाइए। आप ज्यादा तो ओवर फीडिंग ना करवाते हुए उसे थोड़ा 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 करके क्वांटिटी बढ़ाकर उसको दे सकते हैं, बट उसको 5 to 6 टाइम्स इन अ डे आप उसको फीड करवाइए, आप उसको किटन फूड पे लेके आइए। और ज्यादा चिकन मटन ये सब देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप उसको नॉर्मली किटन फूड भी दे सकते हैं। और ये टाइम पे ऐसा होता है कि उनका पानी का इंटेक बहुत ज्यादा होता है। आपको जब भी पता चलता है कि आपकी कैट प्रेग्नेंट है, आप एक रूम में उसका फूड, उसका लिटर और उसका वाटर बाउल ये सारा एक रूम में सेटल कर दीजिए। वो रूम से उसको कैट को ना निकलने दे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वो जितना बाहर जाएगी उतना ज्यादा फिर वो उसके डाइट से हट जाएगी। बेटर है कि आप उसको एक रूम में रखिए जहाँ पे उसका फूड, लिटर और बाउल आप उसके साथ में रख दीजिए। जब वो देखेगी कि मतलब उसके सामने सारी चीजें, तो वो खुद उठकर वो सब चीजें खाएगी पिएगी, तो इससे कैट की हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। देखूंगी कभी कभी उन्हें वॉमिटिंग भी होती है, कभी कभी वो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती है और कैट के लिए तो नहीं होती है, क्योंकि वो किटन्स ज़्यादा कंसीव करती है। एक दो किटन्स की बात नहीं होती है, पर्शंस में 3-4 मैक्सिमम किटन्स होते हैं। तो जब आप देखोगे तो कैट का स्ट्रेस में आना लाजमी है, तो आप उसको उसके किटन फूड के साथ, उसके वाटर बाउल के साथ और उसके लिटर के साथ उसको रख दीजिए। तो एकदम भी आपको उसको अकेला नहीं छोड़ना है, बट आप अगर ये सारी चीजें उसके साथ रखोगे तो आपकी कैट को कोई स्ट्रेस नहीं आएगा और इजिली वो खुश रहेगी। थर्ड थिंग पे हम आते हैं कि उसको लिटर में जाने में प्रॉब्लम होती है। तो थर्ड थिंग आपको ये करनी है कि जो लिटर बॉक्स होता है वो सबसे पहले आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि हम नॉर्मली जो लिटर बॉक्स लेते हैं वो थोड़ी हाइट का होता है। तो कैसा होता है, उनका जो एब्डोमेन होता है, जो टमी साइड होता है एरिया, तो वो ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है क्योंकि वो कंसीव करे होते हैं। तो आपको ये करना है कि आपकी कैट का लिटर बॉक्स सबसे पहले आप फ्लैट देखिए, या फिर थोड़ा सा जो हाइट का हो, लाइक 1 to 2 inches का जो हाइट का अगर लिटर बॉक्स आपको मिलेगा, ताकि उसमें से लिटर बाहर ना गिरे। तो अगर आपको ऐसा कोई बॉक्स मिलता है तो आप वो ले लीजिए, वो बॉक्स में आप लिटर डाल दीजिए और फिर वो उसको यूज करने दीजिए। क्योंकि अगर आप देखोगे जब वो जंप करके लिटर बॉक्स में जाते और जंप करके ही बाहर आते हैं, तो ये सारी चीजें प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए। तो आप अगर फ्लैट लिटर बॉक्स या फिर थोड़े कम हाइट का लिटर बॉक्स अगर यूज करेंगे तो वो चीज आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी, आपकी कैट के लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। कैट प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा परिंग करती है, उसको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, तो कभी भी अपनी कैट को अकेला ना छोड़िए, हमेशा उसको सिक्योर फील करवाइए, उसको पेट करके उसको बताइए कि वी आर हियर फॉर यू,
और कभी उसको अकेला ना छोड़िए। अगर जितना आप उसको सपोर्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ये टाइम उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। कि हम उसे क्या मेडिसिन देते हैं जब वो वोमिट करती है, जब उसको लूज मोशन लगते हैं, हम कैसे क्या मेडिसिन दे दें। तो ऐसे टाइम पहले तो आप आपके वेट से कंसल्ट कीजिए। सेकेंडली, ये ऐसा वक्त होता है जहाँ पे कोई मेडिसिन कैट्स को नहीं दी जाती है, कोई वैक्सीनेशन कैट को नहीं लगते हैं जब वो कंसीव कर रही है। ये सारी चीज़ों में एक वेट का होना और उसको दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। आप जब भी अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो आप आपके वेट के पास जाइए, उन्हें ये सारी सिचुएशन बताइए कि आपकी कैट कंसीविंग है, किटन्स देने वाली है और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है। मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, आपको वैक्सीनेशन कोई भी कैट को तभी नहीं लगाने हैं। आप आपके वेट से सबसे पहले कंसल्ट कीजिए कोई भी वैक्सीनेशन देने के पहले, तो या ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। चीजें थी जो मैंने आपको बताई, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा कि आपको कौन सी चीजों से आपकी कैट को बचाना है। ये सारी बेसिक नॉलेज है। प्लीज़ अगर आपके फ्रेंड्स या जिसके पास भी कैट है और किसी ने कंसीव किया है तो ये सारी नॉलेज उनको दीजिए। और हाँ, उसने कंसीव किया है तो आप ज़्यादा उठाने की कोशिश करोगे उसको, मेक श्योर कि आप उसको उसके शोल्डर के तरफ से और उसके पैर के तरफ से, जैसा कि आप पिक में देख रहे हो, इस तरीके से आपको उठाना है, ना कि आपको टमी के साइड से उठाना है। तो मेक श्योर कि आप उसको प्रेगनेंसी के टाइम उठाए ही ना, अब बस उसको पेट कीजिए, दैट इज इनफ, और वो ही काम आए। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम। और अगर आपको कोई भी कैट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और मेक श्योर कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे, एक पेट ओनर के पास रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।